नमस्ते मित्रों, पोर्ट्रेट्स एंड सेल्फ पोर्ट्रेट्स ये दोनों ऐसे विषय हैं जो बहुत कौशल्यपूर्ण भरित वेरी स्किलफुल एंड समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग एंड वेरी चैलेंजिंग एज वेल। हम जब दूसरों की पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करते हैं एंड खुद की सेल्फ पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं, इसमें एक अंतर है। मित्रों, हम सब जानते हैं हम जब दूसरों के पोर्ट्रेट्स निकालते हैं तो हम उनके हाव भाव उनके व्यक्तित्व को निकालते हैं, एंड सेल्फ पोर्ट्रेट में भी हम अपने व्यक्तित्व अपने रूप को रूप रेखा रंग को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सेल्फ पोर्ट्रेट के बारे में या इस विषय पर एक कदम आगे जाना चाहूँगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एंड मनुष्य को काफ़ी सारे सिचुएशंस संदर्भ को एनवायरनमेंट को परिस्थिति को उसके हिसाब से एडाप्ट होना पड़ता है। उसके कंडीशंस के दबाव में प्रेशर में वो हम एक 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 मुखौटे पहन के जीते रहते हैं। ये समाज हमें एक चेहरा देती है, हमें एक पहचान देते हैं, हम एंड हम उस दायरे में कहीं अटक जाते हैं एंड उसी में जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। इस सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि हम कभी किसी के पिता हैं, किसी के भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, एक अपनी खुद की एक व्यवसाय होती है। तो इन सब रोल्स को निभाते हुए इस सामाजिक इस सांसारिक जीवन में जीते हुए कहीं ऐसा हो जाता है कि हमारी खुद की व्यक्तित्व हमारी जो ओरिजिनल चेहरा है, हम जो खुद एक जो ओरिजिनल है, हम कहीं वो या तो उसे भूल जाते हैं या तो उसको दबा के रख देते हैं। हमारी सनातन परंपरा में हमारे आध्यात्मिक के एक बहुत खूबसूरत एक सुंदर चीज बताई गई है, जिसमें कहते हैं कि इस रूप के पीछे जो स्वरूप छुपा हुआ है वो तुम्हारी असली चेहरा असली व्यक्तित्व असली पहचान है। एंड ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है मित्रों। सो सेल्फ पोर्ट्रेट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवकाश है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रयास एक प्रयत्न करने का एक संदर्भ है जिसमें हम अपनी खुद को खुद की पहचान को ढूंढें, हम खुल के जिए, हम उस फ्रीडम के साथ, हम उस आध्यात्मिक ताकत के साथ, हम उस प्रकृति ने जो हमारी आत्मा की जो ओरिजिनल स्वरूप है उसे हम पहचाने एंड उस पहचान को दर्शाए। तो मुझे लगता है सेल्फ पोर्ट्रेट की जो एक्सरसाइज है या उसकी जो एक अवकाश है एक प्रयत्न है, उसमें हम सिर्फ हमारे रूप को नहीं बल्कि हमारी स्वरूप को पहचान के अगर हम उसको दर्शाए तो मुझे लगता है एक बहुत सुंदर एक सुंदर प्रयत्न हो सकती है उसमें। सो आई थिंक दिस इज समवेयर द इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट एंड हर एक इंसान को करना चाहिए इसमें। एंड जो कि हम कलाकार लोग हैं, हमारे पास वो कौशल्य उपलब्ध है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक बहुत उसकी फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड हीना भट्ट आर्ट वेंचर्स में हीना भट्ट हैज़ कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटिंग सेल्फ पोर्ट्रेट्स। सो मुझे लगता है कि सब कलाकारों को इसकी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए एंड पूरे फ्रीडम के साथ उस डर उस इस सब को छोड़ के एंड थोड़ा प्रयत्न करके अपने स्वरूप को पहचान के उसे दर्शाए, तो मुझे लगता है सेल्फ पोर्ट्रेट एक बहुत ही मतलबपूर्ण एंड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकती है। थैंक यू।